सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनके शासन काल से चला आ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अशोक सम्राट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य और जानकारी इस वीडियो में दी गई है, आइए देखते हैं। सम्राट अशोक द ग्रेट मौर्य साम्राज्य 322-185 ईसा पूर्व के तीसरे राजा था जो युद्ध के अपने त्याग धम्म की अवधारणा के विकास पवित्र सामाजिक आचरण और बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में जाना जाता था। इसके साथ ही अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई का उनका प्रभावी शासनकाल रहा। सम्राट अशोक के अनुसार मौर्य साम्राज्य आधुनिक भारतीय ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे क्षेत्र तक फैली हुई थी। सम्राट अशोक को चंद्रगुप्त के अधीन काम करने वाले प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक की जीवनी। सम्राट अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जो उनके दिए गए नाम की सबसे अधिक संभावना थी। उनका जन्म 304 AD पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता और माता का नाम बिंदुसार एवं सुभद्रांगी था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया 260 BC, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी नरसंहार विनाश और मृत्यु हुई कि सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग किया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। अपने आप को धम्म की अवधारणा में उदाहरण के रूप में शांति के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक की मृत्यु 238 पूर्व हुई थी। हालांकि सम्राट अशोका का नाम पुरानों राजाओं, नायकों, किंवदंतियों और देवताओं से संबंधित भारत का विश्वकोश साहित्य में दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। उनकी जन्मतिथि अज्ञात है और कहा जाता है कि वह अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम एक पाठ में सुभद्रांगी के रूप में दिया गया है। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया है, जो मानते हैं कि सम्राट अशोक 4 में से दूसरा पुत्र था। उनके बड़े भाई सुसीमा वारिस स्पष्ट और ताज राजकुमार थे और सम्राट अशोक की कभी भी सत्ता संभालने की संभावना इतनी कम और यहां तक कि पतली थी, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नापसंद किया था। उन्हें उच्च शिक्षित किया गया था, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। भले ही उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था, वे बस शाही बेटों में से एक के रूप में द अर्थशास्त्र समाज से संबंधित कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाला एक ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान पर एक मैनुअल है, जो प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। इसका श्रेय चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए चुना और प्रशिक्षित किया। जब चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया तो कहा जाता है कि बाद में उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और इसलिए निश्चित रूप से उनके बेटे होंगे। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के आसपास थे तो उन्हें विद्रोह करने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी से तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना प्रदान की, लेकिन कोई हथियार नहीं। हथियार अलौकिक साधनों द्वारा बाद में प्रदान किए गए थे। इसी किंवदंती का दावा है कि सम्राट अशोक उन लोगों के लिए दयालु था जो उसके आगमन पर अपनी बाहें बिछाते थे। अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप। अशोक महान ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी दो लिपियों का उपयोग किया था। कहते हैं कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कलिंग युद्ध का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ कलिंगा। वो भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। ये युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 BC में कलिंग, जो आज उड़ीसा राज्य है, लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंतत शांति का मार्ग चुना
और बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाया, कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर दिया। सबसे अंत में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह कुचल कर रख दिया। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे, लेकिन अशोक युद्ध के बाद अब शांति और मोक्ष चाहते थे और उस काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। युद्ध की विनाशलीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोका की मृत्यु कैसे हुई? सम्राट अशोक का निधन 232 BC हुआ था, लेकिन उनका निधन कहां और कैसे हुआ ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहावसान तक्षशिला में हुआ। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। संभवतः ये घटना बौद्धों की तीसरी संगीति के बाद की है। सिंगली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगीति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। सम्राट अशोक कौन से वंश के थे? मौर्य राजवंश। सम्राट अशोक की मृत्यु कहाँ हुई? 232 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है? राजा बृहद्रथ। मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश।